नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस टेरेस पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फ्रेंड्स ये आईवी प्लांट है मेरा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास लगभग एक वर्ष से ये मेरे पास है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये काफ़ी लैगी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे दूसरे पॉट में मैं इसे शिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसे शेयर करके इसे रिपोर्ट करूँ। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, ये आईवी प्लांट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छी इसकी ग्रोथ है, काफ़ी हेल्दी इसकी ग्रोथ है, और काफ़ी अच्छी मतलब इसके ब्रांचेस निकली हुई है। और फ्रेंड्स, एक खूबसूरत बात मुझे इसमें देखने को मिली कि मैंने फर्स्ट टाइम आईवी प्लांट का फ्लावर मैंने देखा है। देखिए कितना खूबसूरत, ये खूबसूरत छोटा सा फ्लावर येलो कलर का, और इसमें मैं तीन फ्लावर मैंने देखे हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने ये फ्लावर्स देखे हैं आईवी प्लांट में। देखिए ये दो, एक फ्लावर ये है, एक ये है, और एक और मुझे देखने को मिला था इसमें, ये देखिए तीन फ्लावर्स, ये बहुत ही खूबसूरत। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें मुझे मिली बग का अटैक मुझे देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये प्लांट की जो कंडीशन है, ये काफ़ी एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल एक गुच्छा सा इसका बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका यही रीज़न है ये मिली बग का, कि इसमें जो हवा का सर्कुलेशन है वो प्लांट के बीच से नहीं हुआ है, ब्रांचेस के बीच से। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है कि इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो मिली बग का अटैक तो होना ही था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी 4-5 दिन पहले मैंने इसमें नीम ऑयल का मैंने स्प्रे इसमें किया था, तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट मुझे इसमें देखने को मिला है। थोड़ा बहुत ये प्लांट थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है फ्रेंड्स। इसकी जो लंबी लंबी जो इसकी जो ब्रांचेस हो गई हैं, उससे मैं कुछ एक आर्च टाइप का मैं कुछ इसमें से क्रिएट मैं करने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मेरे पास वायर नहीं है। मैं वायर जब भी मैं लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं इसे अच्छे से उसमें एक तरफ से मैं चढ़ा दूँगी, और दूसरी तरफ मैं कुछ कटिंग्स को उसमें इस तरफ से भी दूसरी साइड से भी मैं चढ़ा दूँगी। तो एक इस तरह से आर्च खूबसूरत सा ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी मिट्टी तैयार कर ली जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी मिट्टी में मैंने इसको काफ़ी लाइट सॉइल इसको प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने इसमें अपने गार्डन की नॉर्मल जो सॉइल होती है वो इसमें ऐड की है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ पत्तियों की जो खाद होती है वो भी मैंने इंक्लूड की है। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नीम की खली, जो फ्रेंड्स इस मिट्टी को रोग मुक्त और एक जो स्लो ये फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, तो नीम की खली। तो और फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा मात्रा में मैंने इसमें हल्की सी रेत भी ऐड की है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने काफ़ी पुरानी मेरी गोबर की खाद है जो काफ़ी काली खाद थी, तो फ्रेंड्स वो भी मैंने इसमें पहले से ही ऐड करके रखी हुई है। ये मिट्टी लगभग मेरी 1-1.5 महीने से छत पर रखी है, जो कि काफ़ी अच्छे से स्टेरलाइज हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये बहुत लाइट सॉइल मीडिया मेरा ये रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने इसे सबसे पहले आपने देखा होगा इसमें कुछ वाइट सा था, तो फ्रेंड्स वो मैंने इसमें थोड़ा फंगीसाइड की एक क्वांटिटी भी मैंने थोड़ा बहुत ऐड की है। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप एज अ फंगीसाइड अपने किचन में से आप हल्दी पाउडर का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं एज अ फंगीसाइड, वो भी यही काम करती है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा एक फंगीसाइड ये है। और तो फ्रेंड्स, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखिए मिट्टी में इस तरह से भर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस कंटेनर को भरने से पहले ने इसमें मैंने कुछ अपने गार्डन की ड्राई जो लीव्स होती हैं, जब भी मैं काट छाट करती हूँ उसमें निकलने वाली जो ड्राई लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं एक जगह रख देती हूँ फ्रेंड्स, कहीं सुखाने के लिए मैं रख देती हूँ। उसके बाद जब ये सूख जाती हैं तो उसे मैं एक जगह भर के रख लेती हूँ, और जब कभी भी मैं अपना
पॉट इस तरह से मैं रेडी करती हूँ किसी प्लांट के लिए रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं उसमें ये ड्राई लीव्स की एक लेयर में नीचे एक परत में ज़रूर इसके बिछाती हूँ। तो देखा आपने, इसमें मैंने बिछाई है। आईवी प्लांट के विषय में फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट भी है फ्रेंड्स, तो इसे आप इंडोर भी आप इसे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन इसे ब्राइट सनलाइट ज़रूर चाहिए फ्रेंड्स। अगर इसे हम ब्राइट सनलाइट नहीं देंगे तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लैगी हो जाता है, जैसे कि मेरा ये प्लांट हुआ है फ्रेंड्स। इसे मैंने सनलाइट में नहीं रखा था और मेरी एक मैम है मीता विष्णु ही मैम जी, तो उन्होंने मुझसे कहा था लक्ष्मी से, मैंने कहा मैम मेरा काफ़ी लैगी हो गया है, तो मैम ने कहा था इसे धूप में रखो। तो फ्रेंड्स जैसा हर किसी भी प्लांट के लिए एक प्रथम अनुभव जो होता है, तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स हर कोई सीख कर नहीं आता, हम सब करके ही सीखते हैं। तो और मुझे इस बात से कोई भी वो नहीं लगती, शर्म नहीं आती कि हाँ मैं किसी से सीख रही हूँ, तो वो मैम से मैंने इसके लिए जो कुछ भी मैंने सीखा था वो मेरे बहुत ही काम आया। मैंने उसके बाद इसे धूप में रखा है, तो ये उस समय से काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। इस पौधे को फ्रेंड्स जो सर्दियों की धूप होती है ये इसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों की धूप और जो लू होती है उससे इसको बहुत, इससे ये पौधे की लीव्स काफ़ी बर्न हो जाती हैं, ये पौधा बहुत इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो सर्दियों की धूप इसे आप ज़रूर दें, इसे सर्दियों में धूप में रखें और गर्मियों में इसे शेडी एरिया में रखें जहाँ पर हल्की छन कर धूप आती रहे। धूप इसे तब भी चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन जो छन कर आने वाली धूप है तब ये बहुत अच्छे से चलता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये फूल इसके आते हैं। अब इसके सीड्स बनेंगे कि क्या नहीं, ये मैं आगे देखकर आपसे शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स जब ये दोनों तरफ से अच्छे से इसकी ग्रोथ ये इस तरफ से भी लेफ्ट साइड से भी हो जाएगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत आगे लगने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं ये सारी कटिंग इस तरफ से मैं इसे लगा दूँगी। समय तो लगेगा फ्रेंड्स, पेशेंस चाहिए इसके लिए। तो मैं ये सब कुछ करके मैं आपसे ज़रूर ये दोबारा साझा करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, ये जो मैंने इसी प्लांट से मैंने ये जो कटिंग्स मैंने ली हैं इनको भी इसमें लगा दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कटिंग ली है इसकी, जो ये नीचे की लीव है फ्रेंड्स, ये लीफ है जो, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी फ्रेंड्स। ये दो लीफ मैं इसकी रिमूव यहाँ से कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये लीफ को हमको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है और मिट्टी में ये टच भी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जिससे ये फंगस को क्रिएट करती हैं फ्रेंड्स। तो ये नोड एरिया जो है इसका, इसको हम मिट्टी के अंदर, ये देखिए नोड एरिया आपको दिख रहा है, तो फ्रेंड्स ये नोड एरिया को हम मिट्टी के अंदर दबाने वाले हैं। तो यहीं से फ्रेंड्स इसकी फिर ये ग्रोथ स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए दो नोड एरिया हैं, तो इसमें से एक नोड एरिया को हम मिट्टी के अंदर दबाने वाले हैं। भी हटाकर ये देखिए मैंने सारी कटिंग्स को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स बाकी मेरे ये जो इसमें से निकले हुए जो स्पाइडर प्लांट है जो इसी गमले में मेरे उग आए थे, तो इन दोनों को भी मैं आज ही रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये रिपोर्ट करने ज़रूरी हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये, मैं कुछ इस टाइप से इसको सोच रही हूँ आगे, तो देखिए आगे मैं क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए, ये अभी तो ये अधूरा है, लेकिन इसके लिए मैं इसको पूरा करके कुछ और इसमें थोड़ा फिनिशिंग करके मैं आपको फिर से इसे ज़रूर शो करूँगी। इस प्लांट के विषय में फ्रेंड्स, एक साल में जितना मैंने अनुभव किया है फ्रेंड्स, तो ये एक ब्राइट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, हल्की नमी बरकरार इसमें आप रखिए। और फ्रेंड्स इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे से, जब ये नीचे को लटकती हैं इसके ब्रांचेस तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सॉइल मीडिया इसका लाइट रखिए आप, इसकी सॉइल को फ्रेंड्स लाइट बनाने के लिए आप इसमें कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाना चाहते हैं, मैं भी इसके एक हैंगिंग बास्केट में ज़रूर बनाऊंगी। मैं पहले बास्केट ले आऊँ, उसके बाद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो हैंगिंग बास्केट
के लिए आपका जो सॉइल मीडिया है वो काफ़ी लाइट होना चाहिए, जिसमें आप परलाइट भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस पौधे की अच्छे से देखरेख करेंगे तो पूरे साल भर ये आपके पास रह जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गर्मियों की धूप और लू से आप इसे नहीं बचा पाएंगे तो फ्रेंड्स ये गर्मियों में ये ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे शेडी एरिया में गर्मियों में रखिए। और फ्रेंड्स, इसको ग्राउंड पे लगाने के बजाय आप इसे प्लांटर में ही लगाएं, क्योंकि ग्राउंड पर फ्रेंड्स इसे गर्मियों की जो धूप होगी उससे आप इसे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये पौधा फिर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी लीव्स थोड़ा थिक होती हैं, जिस तरह से ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसकी लीव्स थिक होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बस इतनी ही केयर मैं इसकी एक वर्ष में मैंने जो की है वो मैं आपसे साझा मैंने की है। तो फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर मीता विष्णु ही मैम, जिन्होंने मुझे इसकी एक उचित देखरेख मुझे बताई है। तो देखिए, इस तरह से ये मैं फ्रेंड्स फिर मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस था इस प्लांट्स के साथ, तो मैंने वही आपसे शेयर किया है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद आप सभी का, और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।